हेलो दोस्तों, स्वागत है आवाज आपका मेरे ब्लॉग में। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त एक सोनी का आवाज को भारी एडवांस कीजिए। कैमरा, और इसके ऊपर एक डिवाइस लगी है। तो बहुत से हाँ, लोग ये सोचते होंगे कि किस तरह से जो न्यूज़ बढ़िया चैनल होते हैं और जो यूट्यूबर होते हैं या कोई भी सोशल मीडिया में जो प्रोग्राम आते हैं वो लाइव कैसे होते हैं, तो मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कैमरे के ऊपर एक डिवाइस लगी है। ये जो डिवाइस होती है ये हमको ब्रॉडकास्ट करने में मदद करती है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम कैमरे को कनेक्ट करके डायरेक्ट लाइव आते हैं। तो फेसबुक पे भी अगर हमको लाइव आना है, यूट्यूब में लाइव आना है, तो एक साथ हम इससे 2 या 3 सॉफ्टवेयरों में आ सकते हैं। तो काफ़ी एडवांस डिवाइस ये है, इसके बारे में हम और अभी अधिक जानेंगे दोस्तों। इसके अलावा ये तो बात हुई जो हम इस कैमरे से लाइव आते हैं, वीडियो बनाते हैं, और स्टिल फोटोग्राफी के जो शौकीन होते हैं तो निकॉन उसमें काफ़ी अच्छी एक कंपनी है जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं फोटो के। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे निकॉन का एक कैमरा है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि केवल ये स्टिल फोटोग्राफी के काम आता है तो गलत है, क्योंकि आप इससे वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी इस वाले के कंपेयर में ख़राब आती है, क्योंकि ये तो बनाई इस चीज़ के लिए, ये अल्टीमेट चीज़ है, और ये हमारी स्टिल फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अल्टीमेट है। आप देख सकते हैं स्टैंड के साथ है, और इस वक्त यहाँ पर जो ये स्टूडियो है ये अभी प्रोग्रेस में है, ऑन द वे है। अभी जब ये पूरा बन जाएगा तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टूडियो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे सामान है। आप ये देख रहे हैं, ये है लाइटिंग इफेक्ट डालने के लिए जो छतरी होती है, आप देख सकते हैं इसमें हेलोजन लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ ये, तो ये जो छाता होती है ये जब हम फ्लैश मारते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर से रिफ्लेक्ट होके आता है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं फ्लैश लाइट जो हमने यहाँ पे जला के दिखाई है, अशोक भाई चला के दिखाएंगे अभी आपको, ये देखिए। तो इस फ्लैश लाइट के माध्यम से और ज़्यादा रोशनी की जा सकती है। आप देखते होंगे कि जो पिक्चरों के अंदर एक बिल्कुल ही काला सा हीरो होता है, आपको गोरा गोरा नजर आता है ना, वो सब इसी लाइटिंग इफेक्ट का कमाल है। काला हीरो काला आदमी बिल्कुल गोरा नजर आता है। जैसे देखो मैं तो लाइट को ये देखो, इन्होंने इसकी वो बदल दी है, ये देखो कितना गोरा नजर आ रहा हूँ। तुम इसका लगाई कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको स्टूडियो में माइक चाहिए, हैंड माइक जिसके माध्यम से आप बात कर सकते हैं दूसरे से, अगर आप रिपोर्टर हैं या अपना फेसबुक में कुछ मीडिया चैनल चलाते हैं, तो ये देखो, ऐसे दिख, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसके आगे ये हैंड है और ये माइक है, हम इसको इस तरह से इस पर लगा देते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने वो लाइट लगाई थी और रोशनी से यहाँ पे क्वालिटी आपके चेहरे पे लाइटिंग इफेक्ट डालता है। आप देख सकते हैं मैं एक सांवले कलर का हूँ, लेकिन ये जैसे जैसे पास ला रहे हैं तो थोड़ा फेयरनेस आ रही है यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये दूर गया तो डार्कनेस आपको साफ नज़र आ रही होगी। तो ये लाइटिंग इफेक्ट होते हैं जो स्टूडियो के अंदर किए जाते हैं। और ये एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखा दूँ, जो आपने देखी होगी, जो बड़े बड़े हॉलीवुड की मूवीज आपने देखी होगी, आपने जुरासिक पार्क देखी होगी, तो जुरासिक पार्क में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डायनासोर थे, वो सारे एनिमेटेड होते हैं। एनिमेटेड का मतलब कि ग्रीन स्क्रीन के सामने केवल आदमी अभिनय करता है डायनासोर से लड़ने का, और सारी चीज़ बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन पर चलती है। ग्रीन स्क्रीन इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के पीछे जो बैकग्राउंड आप लगाएंगे पता नहीं चल पाता कि सामने क्या हो रहा, तो दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है। बहुत सी मूवियों में आपने देखा होगा कि एक ड्राइविंग सीन होता है, उसमें एक कार पे बैठा हुआ जो एक्टर होता है वो तो केवल स्टिल बैठा रहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पूरी रोड में गाड़ी चल रही है। तो ये सारे ग्रीन इफेक्ट होते हैं। तो अब मैं आपको एक और डिवाइस दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये डिवाइस आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है ऑडियो मिक्सिंग डिवाइस। ऑडियो मिक्सिंग डिवाइस जिस वक्त हम लाइव करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें आवाज़ को हमने फिल्टर करना है। फिल्टर का मतलब थोड़ा मोटी करनी है, पतली करनी है, किसी भी प्रकार की आवाज़ इसकी माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लगे हुए पैनल और स्विच आप देख रहे होंगे, ये देखिए। तो अब टेक्निक जो है काफ़ी एडवांस हो चुकी है, पहले की मूवियों में और अब की मूवियों में बहुत अंतर है। आजकल के तो जो चैनल होते हैं वो पहले की बड़ी मूवियों से काफ़ी एडवांस है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये है मल्टी वीडियो मिक्सर। इसके माध्यम से हम जब लाइव स्ट्रीम करते हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे ये 4 वाइट कलर के स्विच हैं, तो 4 इसमें हम कैमरे लगा के उनको अलग अलग एंगल से हम पार्टिसिपेट या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको 4 एंगलों से दिखा सकते हैं। और इसके ऊपर एक ये लीवर मैं आपको दिखाता हूँ, अकेले करने में दिक्कत हो रही है तो इसको हाथ में ऐसे नीचे रख के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लीवर है
इससे हम स्विच करते हैं, ऑब्जेक्ट स्विच, यानी अगर आप हमारे पास चार ऑब्जेक्ट हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक से दूसरे के पास हम जैसे ऊपर नीचे इसको करते हैं। तो आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो वाकई में लाजवाब है और हम सारे युवाओं को एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम फिर भी रोते रहते हैं कि भाई हमारा चैनल मोनिटाइज क्यों नहीं हुआ या हमारी ये चीज़ क्यों नहीं हुई। आप ये सोचिए कि पहले तो ऐसी कोई चीज़ें थी ही नहीं, तो आज आपके हाथ में एक मोबाइल ही है समझ लीजिए, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर जज्बा है और आपके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, वो हुनर है, तो आप डेफिनेटली आप निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। और थकना नहीं है, मतलब कि वो माजी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक सफल ना हो जाए, जब तक मोनेटाइज ना हो जाए, लगे रहिए। मैं भी लगा हूँ, मेरा भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आशा है कि हम कर्म करते रहेंगे और एक ना एक दिन हमारा चैनल मोनेटाइज जरूर होगा। बड़े बड़े डायनासोर थे, वो सारे एनिमेटेड होते हैं। एनिमेटेड का मतलब कि ग्रीन स्क्रीन के सामने केवल